नमस्कार। टीटीसी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनिल अजमेरा, एचओडी कंप्यूटर, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम CS 203 के डेडलॉक के बारे में अध्ययन करेंगे। हम ये जानते हैं कि सभी प्रोसेसेस कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होते हैं जिनके रिसोर्सेज के लिए आवश्यकता होती है। रिसोर्सेज हार्ड डिस्क हो सकती है, प्रिंटर्स हो सकते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, या प्रोसेसर हो सकता है। ये सारे के सारे रिसोर्सेज कहलाते हैं। और जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम जॉब्स में या प्रोसेसेस के अंदर डिवाइड करते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के अंदर जब कोई भी प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है तो रिसोर्स अवेलेबल होने पर उसे प्राप्त हो जाता है, अदरवाइज उसे उस रिसोर्स के लिए वेट करना पड़ता है। और ये भी संभव है कि वो जब कि अन्य रिसोर्स के लिए वेट कर रहा हो तो उसने खुद ने भी कुछ रिसोर्सेज को होल्ड किया हुआ हो। जैसे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, किसी फाइल को उसने होल्ड किया हुआ है और प्रिंटर के लिए वो डिमांड कर रहा है, लेकिन जो फाइल है वो उसके पास होल्ड की हुई है और प्रिंटर किसी अन्य रिसोर्स के द्वारा होल्ड किया हुआ है। तो इस तरह की कंडीशन जिसमें एक प्रोसेस कुछ रिसोर्स के लिए डिमांड करता है और वो कुछ रिसोर्सेज को खुद होल्ड किए हुए होता है, और जिन प्रोसेस के लिए या जिन रिसोर्सेज के लिए वो डिमांड कर रहा है वह रिसोर्सेज किसी अन्य प्रोसेस के द्वारा होल्ड किए हुए होते हैं, इस तरह की सिचुएशन में हैंगिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जो प्रोसेस जिन रिसोर्स के लिए डिमांड कर रहा है वो रिसोर्स उसको अवेलेबल नहीं है, और जो रिसोर्स वो उसके पास में है वो किसी अन्य प्रोसेस द्वारा उपयोग में नहीं लिए जा सकते। इस तरह की कंडीशन को डेडलॉक कहते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले प्रोसेस को जिस रिसोर्स की आवश्यकता होती है उसके लिए वह रिक्वेस्ट भेजता है। रिक्वेस्ट मतलब वह उन प्रोसेस को यूज़ करना चाहता है, और जो जब वो उनको यूज़ करता है, सेकंड कंडीशन होती है यूज़ करना। यदि उसे रिसोर्स उपलब्ध हो जाते हैं तो प्रोसेस उनको यूटिलाइज करता है, मतलब उन्हें उपयोग में लेना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह होता है कि उस रिसोर्स ने इन रिसोर्सेज को होल्ड किया हुआ है। तीसरी चीज़ होती है रिलीज़ करना। जब प्रोसेस किसी भी रिसोर्सेज को काम में लेना समाप्त कर देता है या उसका उपयोग ख़त्म हो जाता है तो वह रिसोर्सेज रिलीज़ कर दिए जाते हैं। डेडलॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? डेडलॉक होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस का होना आवश्यक है? तो डेडलॉक होने के लिए चार कंडीशंस आवश्यक हैं। पहली कंडीशन होती है होल्ड एंड वेट। इसका अर्थ होता है कि कोई भी प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है या उनको आवश्यकता है, और जबकि उसने कुछ रिसोर्सेस को होल्ड किया हुआ है। इसी प्रकार वो जिन रिसोर्स के लिए डिमांड कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है वे रिसोर्सेस की अन्य प्रोसेस के द्वारा होल्ड किए हुए हों, तो इस कंडीशन के अंदर ये होल्ड एंड वेट कंडीशन कहलाती है, जिसमें प्रोसेस द्वारा कुछ रिसोर्सेस को होल्ड किया हुआ हो और वो किसी अन्य रिसोर्स के लिए डिमांड कर रहा हो। सेकंड जो पॉइंट है वो है नो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कई प्रकार के होते हैं और वो सारे रिसोर्सेज शेयरेबल नहीं होते। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर एक बार में एक ही प्रोसेस का, एक ही यूज़र का कार्य कर सकता है, जबकि अगर रीड ओनली फाइल है तो वो कई प्रोसेस द्वारा या कई यूज़र्स के द्वारा शेयर की जा सकती है। तो नेचर ऑफ रिसोर्स के द्वारा जो शेयरिंग नहीं किए जा सकते उसकी यह भी एक कंडीशन है जिसके कारण डेडलॉक होने की संभावना रहती है। तीसरी कंडीशन होती है नो प्रीएम्पशन। कभी कभी जो प्रोसेस किसी रिसोर्स को होल्ड किए हुए है, यूज़ में ले रहा है और कोई हाई प्रायोरिटी का जॉब आता है तो हम उससे वो रिसोर्स वापस नहीं ले सकते, तो ये नो प्रीएम्पशन कहलाता है। यदि हाई रिक्वेस्ट आने पे उस रिसोर्स को प्रोसेस से वापस लिया जा सके तो ये प्रीएम्पशन कहलाता है। नेक्स्ट कंडीशन होती है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में प्रोसेस किसी एक रिसोर्स को होल्ड किए हुए होता है और वो किसी अन्य रिसोर्स के लिए डिमांड करता है। जिस रिसोर्स के लिए वो डिमांड करता है वह रिसोर्स किसी अन्य प्रोसेस द्वारा होल्ड किया हुआ होता है। तो इस तरह की कंडीशन जिसमें एक सर्कुलर वेट की कंडीशन बन जाती है रिसोर्स और प्रोसेस के लिए, वो सर्कुलर वेट कहलाती है। तो डेडलॉक होने के लिए ये सभी कंडीशंस का एक साथ होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट कंडीशन होती है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर हम प्रोसेस, रिसोर्स और एजेस तीन चीज़ें होती हैं। प्रोसेस को सदैव एक सर्कल में डिक्लेयर किया जाता है, दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, और रिसोर्सेज को रेक्टेंगल की फॉर्म में दिखाया जा सकता है। यदि सिंगल रिसोर्स है तो उसके लिए सिंगल बॉक्स बनेगा, और मल्टीपल रिसोर्स होने पर
उनको इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं और उनको हम रिसोर्सेज में डॉट की सहायता से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी नेटवर्क पे दो तीन तरह के प्रिंटर्स काम कर रहे हैं, एक इंकजेट प्रिंटर है, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, एक लेज़र प्रिंटर है, तो हम प्रिंटर रिसोर्स के अंदर तीन डॉट दिखाएंगे और हम तीन यूज़र की या तीन प्रोसेस की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर सकते हैं। और एजेस जो हैं वो इंडिकेट करती हैं यदि रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ है, इसका मतलब वो उस प्रोसेस ने इस रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है। जैसे R1 से P1 की तरफ एक एरो इंडिकेट हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि प्रोसेस P1 R1 रिसोर्स को होल्ड किए हुए है या इसको यूज़ कर रहा है, और P1 जो प्रोसेस है उससे एक एरो R3 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब यह है कि प्रोसेस P1 को R3 की डिमांड है। अब यदि तो तीन तरह की चीज़ें हो गई, यदि रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ एज है इसका मतलब वो उसको होल्ड किए हुए है या उसको यूज़ कर रहा है, और यदि प्रोसेस रिसोर्स की तरफ इंडिकेट कर रहा है इसका मतलब ये रिक्वेस्ट एज हो गई कि प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। अब इस जो डायग्राम हमारा है इसके अंदर हम देखें कि तीन प्रोसेस हैं P1, P2 और P3 और तीन रिसोर्सेज हैं R1, R2, R3। फॉर सिंप्लिसिटी के लिए हम ये मानते हैं कि सभी का एक एक इंस्टेंस है, मतलब एक एक रिसोर्स ही अवेलेबल है, मल्टीपल इंस्टेंसेज इसमें अवेलेबल नहीं है। अब इसमें हम देखें तो P1 एक प्रोसेस है जो R3 के लिए डिमांड कर रहा है, लेकिन P1 ने R1 को होल्ड किया हुआ है। अब P3 प्रोसेस जो है वो उस R2 के लिए डिमांड कर रहा है, लेकिन उसने R3 प्रोसेस को होल्ड किया हुआ है, क्योंकि R3 का जो एरो है वो P3 की तरफ है, इसका मतलब R3 को P3 ने होल्ड किया हुआ है। अब P1 को R3 नहीं मिल सकता क्योंकि R3 को P3 ने रोका हुआ है। इसी प्रकार R2 जो है वो P2 द्वारा यूज़ में लिया जा रहा है और P2 को R1 की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से तीनों जो रिसोर्सेज हैं R1, R2, R3 ये किसी ना किसी प्रोसेस के द्वारा होल्ड किए हुए हैं और ये तीनों ही प्रोसेस इन रिसोर्स के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में यदि कोई भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है और कोई भी प्रोसेस किसी रिसोर्स को छोड़ने की कंडीशन में नहीं है, तो इस कंडीशन ये एक हैंगिंग वाली कंडीशन हो गई और ये सर्कुलर वेट हो गया और इस तरह से ये डेडलॉक हो जाएगा। नेक्स्ट जो है डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक से बचा कैसे जा सकता है। तो डेडलॉक होने के लिए आवश्यक है कि ये चारों कंडीशन एक साथ हों, या तो इसको बचाने के लिए हमें किसी ना किसी एक कंडीशन को फॉल्स करना आवश्यक होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है जैसे नो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, हम इस तरह की कंडीशन लें कि जिसमें रिसोर्सेज की शेयरिंग ना करनी पड़े, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि रीड ओनली फाइल है या कोई फाइल है उसको हम मल्टीपल लोग एक साथ रीड कर सकते हैं जो हार्ड डिस्क पर रखी हुई है, लेकिन यदि प्रिंटर है उसको हम शेयरिंग नहीं कर सकते, एट ए टाइम एक ही प्रोसेस उसको यूज़ कर सकता है, तो ये कंडीशन को फॉल्स करना कभी भी संभव नहीं है। सेकंड कंडीशन है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट करने के लिए हम ये काम कर सकते हैं, पहला तरीका ये हो सकता है कि जो भी प्रोसेस किसी प्रोसेस को जितने भी रिसोर्सेज की आवश्यकता हो वो पहले सारे रिसोर्सेज की लिस्ट उपलब्ध करा दे, यदि रिसोर्सेज अवेलेबल हों तो वो रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड कर दें ताकि वो प्रोसेस अपना काम कर सकें। या दूसरी कंडीशन में यह हो सकता है कि जब भी प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए डिमांड करता है तो हम ये देखें कि जो भी रिसोर्स उसने होल्ड किए हुए हैं पहले उनको छोड़ दें, तब उसको अन्य रिसोर्सेज दिए जाएं, और यदि ऐसा नहीं होता है तो उसे वेट करना पड़ेगा और उसके सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे और किसी दूसरे को अलॉट कर दिए जाएंगे, लेकिन इसमें प्रोसेस को काफ़ी समय तक वेट करना पड़ता है। ये कंडीशन स्टारवेशन कहलाती है, जिसमें प्रोसेस को काफ़ी लंबे समय तक CPU के लिए वेट करना पड़ता है। नो प्रीएम्प्शन का अर्थ है कि जब भी आवश्यक हो तो हम उससे रिसोर्सेज वापस ले सकें, ये कंडीशन होना, यदि हम इस कंडीशन को फॉल्स कर सकें तो इसके द्वारा भी डेडलॉक को प्रिवेंट किया जा सकता है। तीसरी कंडीशन है सर्कुलर वेट, इसको अवॉइड करने का तरीका ये हो सकता है कि जो रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज को हम एक नंबर दे सकते हैं और नंबर के अकॉर्डिंगली उनको अरेंज कर सकते हैं, और जो भी रिसोर्सेज हम किसी प्रोसेस को एलोकेट करेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलोकेट करेंगे। जैसे मान लीजिए दो नंबर और तीन नंबर रिसोर्स किसी प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है, उनको यूज़ कर रहा है, तो यदि उसे आवश्यकता है तो दो नंबर और चार नंबर से ऊपर के रिसोर्स के लिए डिमांड कर सकता है, उससे कम नंबर को डिमांड नहीं कर सकता। इस प्रकार की कंडीशन के अंदर सर्कुलर वेट को अवॉइड किया जा सकता है। तो चारों कंडीशंस में से किसी एक भी कंडीशन को यदि हम अवॉइड कर देंगे या फॉल्स कर देंगे तो इससे द्वारा हम डेडलॉक से बच सकते हैं। एक बार हम वापस सारा रिपीट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है डेडलॉक। डेडलॉक का अर्थ ये होता है
कि कोई भी प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो रिसोर्स उसे उसे अवेलेबल नहीं है, और उसने किसी जिस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है वो रिसोर्स किसी अन्य द्वारा होल्ड किया हुआ है। तो इस तरह की कंडीशन जिसमें सभी प्रोसेस ने किसी ना किसी रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, उनको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं और अन्य रिसोर्सेज के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो इस तरह की कंडीशन को डेडलॉक कहते हैं। सेकेंड पॉइंट होता है रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किस प्रकार किया जाना है। तो यूटिलाइजेशन करने के तीन तरीके हैं, रिक्वेस्ट, यूज़ और रिलीज़। पहले प्रोसेस जो है रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा जिसकी उसे आवश्यकता है, फिर जब उसको प्राप्त हो जाएगा उसको यूज़ करेगा, यूज़ करने के बाद में ये उसको होल्ड करना कहलाएगा, जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो प्रोसेस उसको रिलीज़ कर देगा। तो तीन कंडीशंस होंगी, तीन स्टेट्स होंगी, रिक्वेस्ट, यूज़ एंड रिलीज़। नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यह है कि डेडलॉक होने के लिए कौन कौन कंडीशन आवश्यक हैं, और चारों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए। यदि चारों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी, ट्रू नहीं होगी, तो ये डेडलॉक नहीं होगा। ये चार कंडीशंस हैं, होल्ड एंड वेट, नो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, नो प्रीएम्प्शन एंड सर्कुलर वेट। नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हम प्रोसेस को सर्कल की फॉर्म में इंडिकेट करते हैं, रिसोर्सेज को रेक्टेंगल की फॉर्म में इंडिकेट करते हैं, और एरो कीज जो हैं वो एजेस कहलाती हैं। जब रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ इंडिकेट करता है तो ये होल्ड एज होती है या उसको यूज़ करने वाली होल्ड होती है, एलोकेटेड एज कहलाती है। और जब प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ होती है, जैसा P1 से R3 की तरफ हो रहा है एग्जांपल के तौर पे, तो ये रिक्वेस्ट एज कहलाती है, जब एक प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। इस तरह से यहाँ तीन रिसोर्सेज हैं और तीनों ने किसी ना किसी प्रोसेस को एलोकेट किए हुए हैं, और तीन प्रोसेसेस काम कर रहे हैं जो तीनों प्रोसेस किसी ना किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सर्कुलर वेट वाली कंडीशन नज़र आ रही है। डेडलॉक प्रिवेंशन के भी चार तरीके हैं। जो कंडीशंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेडलॉक होने की, वो चार कंडीशंस को यदि हम फॉल्स कर दें या किसी एक कंडीशन को फॉल्स कर दें तो उसके द्वारा डेडलॉक से बचा जा सकता है। ये कंडीशंस हैं नो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्प्शन एंड सर्कुलर वेट। थैंक्स।